मेरे अजीज मित्र भाई राजेंद्र राठौर जी मेरा राठौर जी से एक प्राण दो देह शरी का नाता है अभिन्न मित्र हैं और हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भाई अरुण चतुर्वेदी जी हमारे उपेंद्र यादव जी जो पूरे राजस्थान में बेरोजगारों की बहुत बड़ी आवाज़ हैं मंच पर हमारे बहुत सारे रिटायर्ड आई अधिकारी आए हैं दूसरे विशिष्ट अतिथिगण हैं उपस्थित सज्जनों मीडिया के भाइयों जवान साथियों माता और बहनों आज विश्व आदिवासी दिवस है अपन हर साल मनाते हैं पूरी दुनिया मनाती है लेकिन यहाँ पर शायद राजस्थान का ही नहीं देश का सबसे बड़ा जलसा आदिवासियों का 9 अगस्त को होता है और इस 9 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा बहुत बड़ा तोहफा अपन को दिया है देश की राष्ट्राध्यक्ष देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी बेटी को बनाया उसके लिए प्रधानमंत्री जी का हम पूरा बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहते हैं धन्यवाद देना चाहते हैं ये वो जगह है जहां से मैं भाषण दे रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने पपलाज माता की जो बोली थी बोली थी ना अब मैं आ रहा था जब जयपुर से तो 200-250 पुलिस पुलिस की बहुत सारी गाड़ी आंसू गैस अग्निवर्षा ड्रोन कई आईपीएस, कई आरपीएस, कई थानेदार कई छोटे थानेदार कई बड़े थानेदार कई सिपाही मन कर तुम क्यों परेशान हो रहे हो उनका सब हम आपको जयपुर में नहीं घुसने देंगे मन का भूल जाओ अरे भाई गहलोत साहब ने यह कहा था मैंने कहा था जब आमागढ़ पे केसर या झंडा फाड़ दिया था और महादेव जी की मूर्ति तोड़ दी थी तो मैंने कहा था कि आमागढ़ पे मीन भगवान का झंडा फहराएंगे मुख्यमंत्री जी उनके कमिश्नर साहब ने कहा था कि आमागढ़ पे आमागढ़ पे परंदा भी पैर नहीं रख सकता लेकिन मैं सत्तर साल का बाज और आठ दूसरे जवान और पुलिस कितनी थी ये मीडिया वाले बैठे हजार बारह सौ पुलिस सबके हाथ में बंदूक लाठी वाटर कैनिंग अग्निवर्षा और, और, और ड्रोन सब रखे रह गए और हम तीन बजे चढ़े सात किलोमीटर चढ़ाई करी न सांप की चिंता करी न घोर्रा की करी न पैंथर की करी न कांटे की करी न कंकर की करी जय जय शिव शंकर बोल के आमागढ़ पे झंडा फहरा दिया।, दिया तो, तो, मो, मो तो गहलोत साहब की पुलिस रखी रह गई आज फिर चुनौती दे रहा हूं गहलोत साहब सुन लो आपकी इंटेलिजेंस यहां पर है पुलिस वाले भी यहां पर हैं आपने यहां भी बहुत लोग छोड़ रखे होंगे ये मेरी फौज सबको तो नहीं ले जाऊंगा देखो सबको नहीं चलना है ना 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 मैंने मैंने उनसे वादा किया है कि दस हजार लोग होंगे ज्यादा नहीं होंगे चलना है और चलना है चल के क्या कहना है गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि आर का पानी मोदी जी नहीं देना चाहते और गहलोत साहब ने योजना क्या भेजी है ध्यान से सुनना चंबल और उसकी पांच सहायक नदी का पानी इंदरगढ़ बूंदी से चाकन नदी पर चंबल को क्रॉस करके टोंक के कुमारिया और गलवा में पानी डाला जाएगा गलवा से पानी बीसलपुर में जाएगा बीसलपुर से ईसरदा में आएगा ईसरदा से कानोता में जाएगा कानोता से रामगढ़ बंद में जाएगा और रामगढ़ बंद से दू के छापराड़ी में जाएगा बस इन बांधों में जाएगा फिर वो पानी सूरवाल बांध पान से सवाई माधोपुर में एक डूंगरी गांव है वहाँ एक बांध बनेगा उस बांध में जाएगा उस बांध से पानी काली सिल सपोटरा में उसमें जाएगा वहां से पांचना में पहुंचेगा पांचना से हिंडौन के जगर में जाएगा और हिंडौन के जगर से बंद बाराठा जो बयाना में वहाँ जाएगा और बयाना से धौलपुर के पार्वती सागर उर्मिला सारा, सागर तालाब सही इन बांधों में जाएगा और सूरवाल से ही पानी चलेगा नादोथी में खुड़ा चैनपुर एक गांव है वहां एक छोटा सा बांध बनेगा और वहां से पानी सीधा टोडा भीम की वाल वाल बाल बालाजी के बाद कूदता हुआ रेणी राजगढ़ को मालाखेड़ा को पार करता हुआ अलवर के जयसमंद में जाएगा अब यह जो मैंने नक्शा बताया है इन राष्ट्र में पड़ने वाला कोई इलाके के किसी बांध में पानी नहीं जा रहा है यह है गहलोत साहब की ईआरसीपी e की योजना दौसा में केवल मोरेल में पानी जाएगा केवल मोरेल में दौसा में तेरे बांध हैं हमारे सूरजपुरा है बिनोरी सूरज है सिंगटोली बिन टोली है अपना सैथल का बांध है रेड़िया का बांध है चांदराना का बांध है एक बांध में भी एक बूंद भी पानी गहलोत साहब की ईआरसीपी का नहीं डाला जा रहा है तो बताओ ये हमारे साथ बेईमानी है कि नहीं <laughs> और जहां मैं भाषण दे रहा हूं यह झिलमिली नदी जिसका छोटा सा एनी का टप्पन ने वहां बनाया है आगे मुरेल है उसमें भी ईआरसीपी का पानी नहीं आ रहा इसलिए हमारे जिले में एक बांध में अलवर जिले में एक बांध में भरतपुर में मात्र एक बांध में तो सैकड़ों बांध रह गए गहलोत साहब सुन लो आपकी सीआईडी रिपोर्ट दे देगी जितने भी बांध इन जिलों में तेरों में हरेक बांध को ईआरसीपी e की योजना से जोड़ के केंद्र को भिजवा वरना सड़क पर जंग होगी क्या तमाशा है ई e राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो राजेंद्र राठौर साहब हमारे नेता हैं प्रतिपक्ष के केंद्र क्या चाहता है मेरी बात ध्यान से सुनना आप पढ़े लिखे हो देश में जितनी भी राष्ट्रीय परियोजना आज तक घोषित हुई है जितनी भी देश आजाद हुआ है तब से अब तक वो 75 परसेंट वाटर डिपेंडेबिलिटी पर सेंक्शन हुई है और गहलोत साहब ने प्रोजेक्ट भेजा है पचास परसेंट वाटर डिपेंडेबिलिटी का दिल्ली कहता है मोदी जी कहते हैं केंद्रीय जल आयोग कहता है कि घेलो साहब पिछहत्तर परसेंट वाटर डिपेंडेबिलिटी का पानी निर्भरता का प्रोजेक्ट बनाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से सहमति पत्र भेज दो इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने की जिम्मेदारी हमारे पूरे राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की है इस बात की गारंटी मैं यहां से देता हूं लेकिन गहलोत साहब नहीं भेजना चाहते गहलोत साहब आपको गुमराह करना चाहते हैं आपको बहकाना चाहते हैं बोट की फसल काटना चाहते हैं और क्या कह रहे हैं दिल्ली करेगा तो ठीक है वरना मैं पूरा करूंगा अगर हजार गहलोत भी पैदा हो जाए ना तो उनकी सोच के अनुसार ईआरसीपी की योजना पूरी नहीं हो सकती इसके लिए सैतीस हजार करोड़ की जरूरत है घेलो साहब ने ऊंट के मुंह में जीरा डाला है दस हजार करोड़ रुपए दिया है उससे ईआरसीपी e की योजना पूरी नहीं होने वाली इस महती सभा में घेलो साहब में आपसे कहना चाहता हूं आग्रह करना चाहता हूं निवेदन करना चाहता हूं आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और क्या लिखा था कि हमको सहमति दो वो पत्र मेरे पास है मैं लेके आया हूं मध्य प्रदेश के उनके साथी मित्र कमलनाथ ने उनके पत्र का जवाब दिया कि जब तक पिचहत्तर पिछहत्तर परसेंट पानी की योजना नहीं बनाओगे तब तक मध्य प्रदेश सहमति नहीं देगा उनके मुख्यमंत्री ने लिखा है अब गलती किसकी है गहलोत साहब की वो गलती को सुधरवाने के लिए चलना है ना कहा चलना है जयपुर चलना है और उनको क्या कहना है पिछहत्तर परसेंट का प्रोजेक्ट बना पिचहत्तर परसेंट का मतलब और समझा देता हूं कि बरसात में जो पानी आता है सरप्लस। प्लस पिछहत्तर का मतलब चार बार जो बरसात का पानी आए वो कम से कम तीन बार तो मिले जहां मैं भाषण दे रहा हूं उस हाईकोर्ट में तीन बार तो पानी मिले लेकिन घेलो साहब दो बार का प्रस्ताव भेजना चाहते हैं, दो बार का हम पिछहत्तर का नहीं भेजना चाहते इसलिए नहीं भेजना चाहते कि भैका के गुमराह करके मोदी के नाम पर गाली देकर मैं वोट ले लूंगा वोट की फसल इतनी आसानी से गहलोत साहब आप काट नहीं सकते अब राजस्थान की जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते ये तेरे अजमेर के लोग नहीं है यहाँ पर राठौड़ साहब बारह जिलों के लोग यहां पर कमर कस के आए हैं और इनका नारा है जल क्रांति करनी है चप्पे चप्पे पर चंबल का पानी लाना है आज के दिन महात्मा गांधी ने अगस्त क्रांति का नारा दिया था ना दिया था ना अंग्रेजों भारत छोड़ो हम गहलोत साहब को कहना चाहते हैं गहलोत साहब हमारे इलाके में चंबल का पानी छोड़ो और अगर नहीं छोड़ते हो तो 2023 में आप गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ ये यहां की जनता ने तय कर लिया है जनता ने तय कर लिया है कितना बड़ा क्रूर मजाक कैसा गुमराह करते हैं कि अगर दिल्ली ने पैसा नहीं दिया तो सारी योजना मैं पूरी कर दूंगा अरे मेरे यहां इस हाईकोर्ट में सड़क बनानी थी मेरी सारी चप्पल रगड़ दी मैंने सरकार के पीछे उन्होंने पैसा नहीं दिया चौदह करोड़ नितिन गडकरी जी से लेके आया हूं अंदर की सड़क बनाने के लिए दिल्ली से पैसा लेके आया हूं और ये जो टूट गई थी अरंगल नांगल की सड़क उसके छह करोड़ रुपए गडकरी जी से लाके मैंने सड़क बनाई है गहलोत साहब के पास पैसा नहीं है खजाना खाली है ये मैं कह रहा हूं ये राठौर साहब ज्यादा बता सकते हैं गहलोत साहब के पास खजाना खाली है पैसा नहीं है खजाना है? खजाना मोदी के पास भरा पड़ा है इसलिए मैं गहलोत साहब से कहना चाहूंगा कि अब अगर सच्चे ईमानदारी से आप इन तेरे जिलों के लोगों को भला करना चाहते हो कल्याण करना चाहते हो तो मैंने सलाह कर लिए राठौर साहब से आप अपने सारे एमएलए को ले चलो हम सारे एमएलए चलेंगे हमारे सारे एमपी चलेंगे गहलोत साहब आप हमारे साथ चल के मोदी जी से बात करो और मोदी जी मना करे तो हम इस जनता के बीच में कहना चाहते हैं जो गहलोत के वो करो लेकिन गहलोत साहब मोदी के पास जाके बात नहीं करना चाहते वो केवल गुमराह करके वोट की फसल काटना चाहते हैं हमारे लोग और हम और डॉक्टर किरोड़ी लाल अब की बार गहलोत साहब को यहां गुमराह करके वोट की फसल नहीं काटने देगा यह प्रतिज्ञा आज हाई कोर्ट से अपन को करके चल लिया अब ये दूसरे मामले हमारे भाइयों ने उठाए समझ में आ गया ना पानी कैसे कैसे जाएगा पानी जाएगा सूरवाल से खुदा चैनपुर सीता जय माधोपुर से लेके जय अलवर में बीच में किसी बांध में भी पानी नहीं डाला जा रहा एक दिन में वहां टोडा भीम गया था तो लोग कह रहे थे सर नहर पे इंजन लगा लेंगे मन की नहर खुली नहीं है बड़े बड़े पाइप डलेंगे आप पानी ले ही नहीं सकते एक दिन गया था मैं लालसोट में दौलतपुरा में तो कह रहे थे यार सी का पानी लाओ मन की यहाँ के नहर जा रही है आपको पानी नहीं मिल रहा आपका गांव ही नहीं जोड़ा आपका बांध ही नहीं जोड़ा तो एक दिन मेरे मामा का बयान पढ़ा था मैंने मेरे मामा को तो जानते हो ना परसादी लाल उन्होंने कहा था योजना बनी थी जब पूर्व सांसद एम हम थे वो मूर्ख थे उन्होंने बांध नहीं जुड़वाए मैं मेरे मामा से कहना चाहता हूं मामा आप गहलोत साहब से मिलके दौसा दोसा जिले के सारे बांधों को जुड़वा दो मैं हजारों लोग लेके आके आपको फूलों की माला पहना के आपका स्वागत करूँगा आप जुड़वा दो हम तो बेवकूफ थे हम तो जानते नहीं थे हम तो समझते नहीं थे आप समझते हो तो अब जुड़वा दो तो इस इलाके में जाओ के पानी की पाइपलाइन जाएगी पूरा इलाका एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा और हमको पानी चाहिए अब एक चीज आती है कि चंबल में इतना पानी नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री जी का एक भाषण आप ध्यान से सुनना जो अभी उन्होंने कार्यकर्ता बुलाए थे जयपुर में कहा था धौलपुर पर केंद्रीय जल आयोग का गेज लगा हुआ है जिसमें उन्नीस हजार एम सी एफ सरप्लस वाटर के चला जाता है मुख्यमंत्री जी अगर उतना पानी बहकर बेकार जा रहा है तो आपको पिछहत्तर परसेंट वाटर डिपेंडेबिलिटी का प्रोजेक्ट बनाने में क्या दिक्कत है उसके लिए तो हमको पैंतीस सौ चालीस एम सी एफ पानी की जरूरत पड़ेगी ज्यादा की जरूरत नहीं फिर भी आपको कम लगता है तो एक फार्मूला क्या है यहां दिल्ली में पढ़ने वाले लोग होंगे बच्चे कुछ नौकरी करने वाले होंगे हरियाणा में जब ज्यादा बरसात होती है तो यमुना में पानी आ जाता है ज्यादा तो वहां एक हथनी कुंड है उस हथनी कुंड को खोल देते हैं तो दिल्ली में बाढ़ आ जाती है दिल्ली चिल्लाता बाढ़ आ गई बाढ़ आ गई और आप दिल्ली जाते हो वहां धारूहेड़ा में एक बांध है धारूहेड़ा तक यमुना की नहर आ रही है आप आप सुनो, आप हरियाणा की सरकार से एक समझौता करो धारूह के उस बांध से लेकर राजस्थान के सीमा की दूरी मात्र पंद्रह बीस किलोमीटर है बरसात में बाढ़ में आने वाले पानी को आप नहर के द्वारा रामगढ़ बंद में ले आओ रामगढ़ बंद जमुआ रामगढ़ जो अपना है उसमें उस अतिरिक्त पानी को डाल दो और उस पानी को खोल दो जगह जगह एनी कट बना दो और बाण गंगा में जगह जगह एनी कट बनाकर भरतपुर तक भेज दो और आप ये जानते हैं एक वहां से ढूंढ नदी निकलती है जो डूढ़ नदी मोरेल में मिलती है मोरेल बनास में मिलती है और बनास चंबल में मिलती है अगर रामगढ़ के उस बंध पानी को डूड नदी के द्वारा छोड़ छोड़ दिया जाए तो आपकी मोरेल आपकी बनास आपकी चंबल लबालब हो जाएगी और ये पूरा इलाका सरसब्ज़ हो जाएगा आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए अगर आपने नहीं किया तो यमुना के इस पानी के लिए हम आंदोलन करेंगे और आप जानते हो जब यमुना का पानी उधर से आएगा तो रास्ते में रूपा रेल नदी पड़ती है उस रूपा रेल नदी का पानी डाल, उसमें डालकर आप अलवर को दे सकते हैं भरतपुर को दे सकते हैं पानी की कोई कमी नहीं है गुमराह करने की है इच्छा शक्ति नहीं है वोट बतोड़ने के लिए है राजनीति करने के लिए है लेकिन राजनीति अब चलेगी नहीं अब राठौर साहब चलेंगे अरुण जी चलेंगे और मैं चलूँगा और पीछे पीछे आप दस परसेंट लोग चलोगे लाठी पड़ेगी तो कितने भागेंगे गोली चलेगी तो कितने भागेंगे गिरफ्तार किया तो कितने छुपेंगे अब सुन लो अब सुन लो रीट के पेपर का कबाड़ा हुआ था ना रीट का पेपर लीक कर दिया हुआ था ना सिपाही का हुआ था ना सब इंस्पेक्टर का हुआ था ना जयन का हुआ था ना मैंने आंदोलन किया था ना जो बड़े मगरमच्छ थे रीट में उनको गहलोत साहब ने छोड़ दिया उन मगरमच्छों को पकड़ाने की भी मांग है रखे ना मछली नहीं मगरमच्छों को पकड़ो ये मांग है दूसरा भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है ना भ्रष्टाचार ज्यादा है ना तो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक मांग ये है और आपको पता है कि पक्षपात बहुत हो रहा है दमन बहुत हो रहा है एमएलए अपने अपने क्षेत्र के मुख्यमंत्री बन के लोगों को तंग कर रहे हैं परेशान कर रहे हैं उनसे मुक्ति चाहिए ना तो ये मांग हम जोड़ रहे हैं एक ये जो मंदिर माफी की जमीनों पर जो कब्जा कर रहे हैं जिस पुजारी को लेकर मैं बैठा था जिसका डेड बॉडी लेके गया था उसमें कानून बनाने की मांग थी उसमें कानून अभी तक नहीं बना वो कानून हमको बनाना है ये मांग और बाकी की कुछ छोटी मोटी मांगे हैं उनको लेकर भ्रष्टाचार मुक्त शासन भय मुक्त शासन दमन मुक्त शासन और बेरोजगारों को मुख्यमंत्री जी ने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे किसी को मिल रहा है क्या तो बेरोजगारी भत्ता की मांग रखेंगे किसानों को कर्जा माफ करने की बात मुख्यमंत्री ने कही थी ना कोई कर्जा माफ नहीं हुआ बल्कि जमीन कुड़क हो रही है इसलिए किसानों की जमीन कुड़क नहीं हो ये वादा लेकर हम वहां से हटेंगे अपन को शांतिपूर्ण तरीके से चलना है तिरंगा सीधा रहना चाहिए तिरंगा झुकना नहीं चाहिए तिरंगा का अपमान नहीं होना चाहिए और तिरंगा यात्रा के साथ हम आगे आगे आप पीछे पीछे शांतिपूर्ण तरीके से जय बोल पपलाज माता की अरे स्वागत रहेगा स्वागत स्वागत